के ठीक ठाक है, तो राज्यपाल को हुक्म आता है, तू इनको तंग क्यों नहीं करता? तुझे किसके लिए लगाया था फिर? कल ही खबर आनी चाहिए कोई ना कोई तंग करने वाला लेटर लिखो इनको। मतलब ये चल रहा है इनके दिमाग में, हर वक्त नेगेटिविटी चलती है, इसको क्यों नीचे क्यों कर दे। हमारे दिमाग में हर वक्त पॉजिटिविटी है कि स्कूल अच्छे कैसे कर दें, अस्पताल कैसे अच्छे कर दें, देश नंबर वन कैसे बनेगा, हमारी जीडीपी की और ग्रोथ कितनी होगी, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन ये लोग दिन रात ये सोचते हैं इसको उठाएं इसको उठाएं इसको उठाएं, जो टीवी पे थोड़ा ज्यादा बार आ जाता है कहते इसको उठा लो। आज आप लोग की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई सीएम की सीबीआई पहुंचने से पहले, क्या शंका है कि उन्हें, क्योंकि वो कहते रहे कि बीजेपी के लोग करें कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा उन्हें? गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है हमें, ये रामलीला ग्राउंड से निकली हुई पार्टी है, ये किसी पार्टी द्वारा निकाले गए या छोड़े गए किसी आदमी ने पार्टी नहीं बनाई। जेल हमारे लिए, गिरफ्तारी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, जो करना कर लो, हम सच्चे हैं और सच्चे हैं तो जाके वहाँ सच बताएंगे। सच का दिन नहीं चढ़ेगा, सच का सूरज नहीं चढ़ेगा जो लोगों के दिल दिमाग से ये डर नहीं जाता। मैं उनको कहना चाहता हूँ, रात लंबी होने का मतलब सूर्य मर नहीं जाता, सूरज चढ़ेगा, सत्य का सूर्य चढ़ेगा इसी धरती पर। 2024 के मद्देनजर ये महागठबंधन जो हो रहा है और संसद में जिस तरह से घटनाक्रम हमें देखने के लिए मिला, ये तो आगे की बातें हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, पर उनको तो हर वक्त ही डर लग रहा था। 24 नहीं, उनको नींद ही नहीं आती, उनको 24 का कोई डर नहीं, उनको तो एक एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता है कि आज के दिन मैंने पकड़ा क्यों नहीं कोई, यार ये 2 दिन हो गए मैंने कोई पकड़ के अंदर क्यों नहीं किया विपक्ष वाला। तो ये जो ये उनके दिमाग में बैठ गई ना ये धारा, तो ये गलत है। साउथ ग्रुप का इश्यू भी है, 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप दिया इसमें, फिर घोटाला क्या पूछ। अरे कौन सा घोटाला, अभी तो हुई इनके घोटाला, ये तो बस वैसी घोटाले का इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल सेम पॉलिसी हमने पंजाब में लागू की है, हमारा 41.41% हमारा जो है मालिया बढ़ गया, 2738 करोड़ बढ़ गया हमारा, वही हम लोगों पर। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान अटकम പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ കെജ്രിവാളിനെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സിബിഐ ആസ്ഥാനത്തേക്ക്. സിബിഐ ആസ്ഥാനത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യൽ അല്പസമയത്തിനകം തുടങ്ങും. കെജ്രിവാൾ 11 മണി കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി സിബിഐ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. സാക്ഷി എന്ന നിലയിലാണിപ്പോൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും പ്രതിചേർക്കും അറസ്റ്റുണ്ടായേക്കുമെന്ന എന്ന് ആരോപിക്കുകയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാക്കൾ. അത്തരം നീക്കമാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മദ്യനയ അഴിമതി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നത് എന്നും അവർ ആരോപിക്കുന്നു.